भाई सौरभ भाई हमारे घर आ रहे सौरभ सर कहाँ गए हैं पीयूष को मम्मी इतना अच्छा मानते वाटर बकेट ट्रिक हो जाए तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बिष्ट व्लॉग्स में और आज हम लोग मिलने वाले हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स भाई से यस तो हम लोग जा रहे हैं अभी नेगी जी के मैगी पॉइंट पे वहां पर उन लोगों से मिलेंगे मैं तो पूरा नहा धो के तैयार हो गया हूं बट यार अभी भी गाड़ी देखो तुम लोग बट यार अभी भी ना गाड़ी मैंने उस दिन से धुलवाई नहीं है जो लास्ट व्लॉग में तुम लोगों को बताया था तो इसको थोड़ा सा धुलवा के लेके आते हैं ताकि यार ये भी थोड़ी सी चमके यू नो जाना ही है तो मिलके आ रहे हैं फटाफट से इसको धुला के लेके आते हैं और तुम लोगों से मिलते हैं 2 मिनट के अंदर तो फाइनली यार गाइस GoPro इज बैक मैंने मंगा दी थी आज ही पहुंची है जस्ट भाई किस्मत देख रहे हो तुम लोग तो चलो गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट और मिलते हैं तुम लोगों से रोड पे देख रहे हो क्या रेडी टू रेस भाई अरे मेरी किस्मत ही खराब है या फिर क्या सीन है भाई जिस दिन भी मैं आता हूँ गाड़ी धुलाने के लिए उस दिन ही ये बंद कैसे होता है लास्ट टाइम यहाँ लाइट नहीं थी आज यही बंद हो गया है पूरा चलो वापस अब घर को तो गाइस चेंज इन प्लान्स भाई मैं यहाँ पर आया हुआ था ये पूरा का पूरा बंद है जैसे मैंने तुम लोग को बताया बट क्रेजी चीज़ ये हुई कि सौरभ भाई का अभी मैसेज आया वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ भाई सौरभ भाई हमारे घर आ रहे मज़ा आ गया ना और बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई बट मेरे घर में ना मिठाई है नमकीन है ना कुछ भी है अभी ढंग का तो एक काम करते हैं जल्दी से जाते हैं यार खाली फिर अच्छा ही नहीं लगता ना यार वो घर आएंगे और किसको पता फैमिली के साथ आ गए तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से सारा का सारा सामान लाता हूँ नमकीन लानी है मिठाई लानी है बहुत सारी चीज़ें लानी है तो मैं तुम लोग को दुकान में मिलता सीधे जल्दी से सामान लेता हूँ घर पर जाते हैं तो गाइस एक और चीज़ अभी अभी सौरभ भाई का व्हाट्सएप आया मेरे को कि वो निकल रहे हैं तो उनको लोकेशन चाहिए थी तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से घर जाता हूँ और पहले उनको व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजता हूँ उसके बाद हम लोग दुकान पे जाके जल्दी से सारा का सारा सामान लेते हैं ठीक है तो गाइस अभी हम लोग बाय चांस में आए हुए यहाँ से सारा का सारा घर का सामान उठाते हैं फटाफट क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट तो जल्दी से चलते हैं और लेके आते हैं मेरे ख्याल से कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मेरे को हेलमेट उतारना पड़ेगा मिलते हैं तुम लोग थोड़ी देर में तो गाइस मैंने ये सारा सामान तो उन लोगों के लिए लिया है आई होप ये काफ़ी होगी जल्दी बाज में यार वो पता है पहुँचने भी वाले होंगे तो हम करते हैं ये सारा सामान उन्होंने ले लिया है बस अब समोसे बचते हैं फटाफट चलते हैं और लेके आते हैं सामान मैं लिटरली सामान की बिलिंग करा के निकल ही रहा था समोसे लेने के लिए यहाँ बारिश हो गई और अब भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ सौरभ भाई पहुँच गए ना घर पर और मैं ही नहीं रहा तो कैसे हो गया यार अबे यार मैं गाइस अभी अभी आ रखा था यहाँ पे जस्ट बीकानेर पहुँचने वाला था मेरे को अभी सौरभ भाई का व्हाट्सएप आया कि वो घर पहुँच गए रे चलो फटाफट घर को मोड़ते और घर जाके मिलते हैं तुम लोग ऐसे भाई यार भाई कितनी कॉमेडी बात है यार मैं उनके लिए सामान लेने के लिए निकला हुआ था और मैं अबे यार मैं ही अपने घर में देर में जा रहा हूँ भाई कितनी फ़नी बात है यार सौरभ भाई हमारे वहाँ आ रहे और मैं ही अपने घर में उनके बाद जा रहा हूँ मतलब तुम समझ रहे हो कि वो घर पहुँच चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ वाह ऐसा गधा हूँ मैं तो गाइस सौरभ भाई शायद से यहीं पे कहीं पे आए हुए हैं चौराहे पे उन्होंने मेरे को अभी तो मैसेज किया था लेट्स सी ये है क्या मेरे ख्याल से यही गाड़ी है यस यही गाड़ी है ये भाई यार मेरे को नहीं पता था सो सॉरी भाई घर यहीं पे थोड़ा पीछे सौरभ भाई अरे अरे दर्द हो रहा है पीयूष भाई छोड़ो यार कैसे हो वीडियो देख रहे हो देख रहे आजकल देख रहा हूं यार बस सर भाई कैसे हो यार भाई यार सो सॉरी पता मैं आपके लिए क्या होता मतलब मैं समोसा समोसा लेने के लिए क्या होता फिर एकदम से आया मैसेज कि आप आगे करके और कौन कौन साहिल भाई भी आए हुए हैं अच्छा ओरियो भी आए हुए बढ़िया सही है सही है कोको से मतलब पोम्पी से मिलेगा हाँ जी तो गाइस वो रहे सौरभ भाई अब हम इनको लेके जा रहे हैं अपने घर को फटाफट चलते हैं थोड़ा सा आगे जाना है ठीक है मैं घर तुम लोगों को दिखा नहीं रहा वैसे भी लेकिन ये सौरभ भाई आगे तो चलो फटाफट से चलते हैं गोरी और साहिल भाई आज के हैं लेट्स गो भाई बच्चे देखो गली के सारे जमा हो गए ओरियो वहाँ रेडी हो रहा है और पता नहीं अभी पोम्पू और ओरियो मिलेंगे तो क्या होगा भाई पोम्पी और ओरियो की नहीं बन रही है शायद से भाई उधर से वो भाग रही है
भाई यार, ए ओरियो भाई यार, ओरियो नो सौरभ भाई चलिए आ जाइए गाइस, तो गेट रेडी देखने के लिए क्या चल रहा है बाहर। पापा लोग तो बोले भीड़। ओके सर, पीयूष के भी फैन आए हुए हैं बाहर। ओके सर, हम लोग पीयूष के साथ अभी माइनक्राफ्ट भी खेलेंगे शायद से, अगर पीयूष को मन करेगा खेलने का तभी खेलेंगे, ऐसे नहीं खेलेंगे। पीयूष मन कर रहा है खेलने का? ठीक है, डन है। डन है, पक्का डन है फिर तो। डन 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 डन। साहिल भाई यहाँ पर है। साहिल भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप? चलो ना, आप भी चलो ना, आ जाओ। ठीक है, सारे के सारे लोगों ने भाई सौरभ भाई और पीयूष भाई को घेर लिया है। साहिल भाई पता नहीं यहाँ क्या, साहिल भाई आप उधर क्यों नहीं जा रहे हो यार, छुट्टी होते हुए यहाँ पर। भाई सौरभ भाई को 2 मिनट नहीं छोड़ दे रहे लोग। पीयूषी तो दौड़ते हुए आके अंदर उसके कह रहा है कि गेम खेलना है। ओके तो चलो, अब हम लोग पीयूषी को गेम खिलाएंगे। शिवांगी, पीयूष ने तुमको चैलेंज किया है बिल्ड बैटल। यार ऐसे मत करो यार भाई, सबको मेरा चेयर चाहिए होता है। नहीं मजाक करो यार, पीछे बैठो यार। अबे आप भी सही मूड गया। ओके आ जाओ साहिल भाई। हाँ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके यार ऐसे मत करो यार, ओ बिंग बिंग पे। ओके ठीक है, तो डांस या फिर माइनक्राफ्ट क्या करना है बताओ, एक चीज मिलेगी। हाँ यार ये तो बदतमी, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम माइनक्राफ्ट खेले। ओके तो पीयूष वर्सेस शिवांगी हम लोग करेंगे, ठीक है शिवांगी? लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज बहुत रात हो गई है और फिर सौरभ भाई को लेट भी होगा बाद में। लेट की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? सौरभ भाई आपने बोला है लेट की कोई दिक्कत नहीं है, डन है? ठीक है डन है। पीयूष तो फुल फास्ट एकदम माइनक्राफ्ट। हेलो, मेरी मेरी जॉब तो नहीं छीन लोगे ना भाई? हेलो भाई यार, ये क्या बात हुई यार? तो मतलब क्या पीयूष गेमिंग आने वाला है 12th के बाद? हाँ फिर और क्या भाई, पहले पढ़ाई लिखाई होगी ना, ऐसे थोड़ी ना, मैंने भी तो 12th के बाद ही किया था स्टार्ट। बाकी यार सौरभ भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, सीरियसली मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लगा बहुत यार, बहुत। तो सौरभ भाई थोड़ा सा ऐसा मतलब ऐसे बहुत अच्छा नहीं है। साहिल भाई आप कहाँ भाग रहे हो? तो सौरभ भाई मतलब सच्ची बता रहा हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ ना मैं, और इस चीज़ के लिए मैं कब से रुका हुआ था कि आपसे कब मिलूंगा, आपसे कब मिलूंगा, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई। मेरे को लिटरली मेरी स्ट्रीम में सिर्फ यही चलता था, बताया मैं कोई भी ब्लॉग डाल में बोलूंगा गाइस एक नया ब्लॉग है, मैं अगर ये बोल दूं कि कुछ स्पेशल होने वाला है, अब वो चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो स्पेशल, बंदे मुझे सिर्फ एक चीज बोलेंगे। मेरे साथ भी सेम, मैं बोल रहा हूं कुछ एक्साइटमेंट, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हां गेमर फ्लीट के पास जा रहे हो भाई यार, सही में जनता इतनी मस्त है ना भाई, मैं बता भी नहीं सकता भाई। और पीयूष फुल गेम में घुस चुका है भाई। हेलो पीयूष, क्रिएटिव कैसे करते इसको? वाह भाई वाह। सौरभ भाई और साहिल भाई से मेरी बात हो रही है और पीयूष ही लगा पड़ा है वहाँ। हेलो हेलो पीयूष, कितना प्रोग्रेस हुआ? पीयूष ने एकदम नया सिंगल प्लेयर वर्ल्ड बना लिया अपने नाम का, और अब ओ यस बोलो सौरभ दा कहाँ गए हैं? बच्चा इसको पॉम्पी से मिलाया नहीं, क्योंकि पॉम्पी अंदर वहां भौंक रहा था और ये पॉम्पी को भौंक रहा था भाई। ये सौरभ भाई ने ना इतना कंफ्यूजन फैला रखा है ना ओरी को लेके। मैंने आपको देखा था, आपने लाइव स्ट्रीम में बोलते थे ना, क्या आ गए ओरी, लोग मुझे टैग कर देते हैं। ओके तो गाइस आज पीयूषी क्या तुम तैयार हो? गाइस आज पीयूषी करने जा रहा है वाटर बकेट ट्रिक, हो जाए। व्हाट हेलो भाई, नौकरी खतरे में है दोस्तों। सौरभ भाई बोल रहे हैं कि उनका जाने का टाइम हो रहा है, पर पीयूष उठने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। पीयूष ये सिंगल प्लेयर में सेव कर दूंगा भाई, पक्का प्रॉमिस, ठीक है पीयूष? बाय बाय तू। पीयूष तो मेरे से भी गंदा मुंह बना रहा रहते हुए। तो सौरभ भाई साहिल भाई और पीयूष भाई जा रहे हैं। साहिल भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, आज के लिए बहुत भाई यार। अरे यार भाई यार पीयूष
भाई पीयूष का बस चले तो पीयूष मेरा हाथ ही उड़ा दो भाई। ओके सर चलो ठीक है, अगर तुमने बिंग बिंग बू सही कर दिया तो मैं भी करूंगा डांस, डन है चलो हो जाए। ओम सी माम सी माम बिंग बिंग बू। अच्छा अपनी बारी में नहीं करोगे और दूसरे का देखने को तैयार? मैंने कोई डांस नहीं करा है गाइस, पीयूष जो भी बोल रहा है पीयूष झूठ बोल रहा है भाई। मैंने गाइस बाय बाय, पीयूष को मम्मी इतना अच्छा मानते हैं। मम्मी और पीयूष की हाइट, हेलो मम्मी, ठीक है यार भाई यार मेरे को ऐसा लगा पीयूष और मम्मी की हाइट सेम है। ओके तो मम्मी को भी पीयूष के नाम फोटो खिंचानी है और पापा के भी खींच देते हैं, प्यारी सी फोटो है पापा, ठीक है चलो आ जाओ सब लोग एक फोटो खींच देते हैं। तो सौरभ भाई साहिल भाई ओरियो और पीयूष ही जा रहे हैं, बाय बाय यार, आई लव यू भाई, बाय बाय, रो मत पीयूष रो मत। पीसी को भी नया पीसी मिलने वाला है वैसे। तो गाइज यार आखिरकार दिन खत्म हो रहा है और यार फाइनली हम लोग सौरभ भाई साहिल भाई और पीयूष भाई से मिल लिए। हेलो इंडियाज नंबर वन ब्लॉगर केम टू माय हाउस, हेलो सर। तो गाइज मैं मिला यार, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इतने सिंपल इतने सीधे और साफ दिल के भाई, एकदम मतलब क्लीन जो है सामने है वाली चीज भाई। सौरभ भाई साहिल भाई पीयूष भाई सबके सब एक से बढ़ के एक भाई मस्त बंदे, मैं तो तुम लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। और हम लोग यार सेम बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब बहुत अमीर नहीं, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उसके बाद हम दोनों अल्मोड़ा से, तो बहुत सारी चीजें ऐसे कॉमन थी भाई हम लोगों के बीच में। और मेरे को सच्ची बता रहा हूँ इतना क्वालिटी टाइम निकला ना, मैंने व्लॉग इतना ज्यादा नहीं करा उसका क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे और पीयूष ने भी बहुत सारा गेम खेला, अभी तक खुला हुआ है गेम। तो यस पीयूष का मैंने वर्ल्ड सेव कर रखा है, पीयूष इफ यू आर वॉचिंग दिस, रखा हुआ है ठीक है ना, उसी में एंडर ड्रैगन मारी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहा है तू? ये बच्चा ना और इसके गेम, जयू फटाफट से बंद करो इसको, बंद करो चलो, और ये रखो और खाना वाना खा के सो जाओ ठीक है, बहुत लेट हो गई है, बाय बाय।